अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन, आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। व्यूअर्स, आपको बता दें मौसम सरमा शुरू होते ही पूरे कश्मीर में बिजली जैसे गायब ही हो जाती है। कुपवाड़ा में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बिजली से कई दिनों से परेशान हो चुके हैं। सोगाम लोलाब एरिया है, कुपवाड़ा मैन एरिया है, त्रहगाम एरिया है, रिडी चौकीबल है, गजरियाल करलपुरा है, इन इलाकों में भी बिजली का फुकदान है। बिल्कुल तत् पर्षण बराबर टाइम पे पावर दपा अगर तुम रोस्टर बनो ओतर अस दमी हिसाब बिजली मगर तमें हिसाब तो बिजली हम क्या अगर दो बजे पावर आसान जो बजे से हम दहन मिनट रोजान पे त्रा लास्ट कैन दहन मिनटन बे अगर तुम रोस्टर बनो अस दमी हिसाब बिजली बिल कूत बिल त्रे हथ पंच सत्तर बराबर बराबर ए पी एल ती प्रॉब्लम ईज चीज पावर कसें मतलब टोटल हावानी अचो सिर्फ हाँ ओड घंटे घंटे बिलन शुमारा कि दह सास यम रेत बेत वु सास अस बी पी एल गरीब लूक अत यह खाला यह इंट्रेस्ट ईज बल अगर अस रोप हतुक मतलब मसल रोप हथ फीस वाता मगर अच्छी जनाब समझे कि अत दह दह सा पंद सा अर्द सा रात आए अख जमा दुन लोन ठ पावर यहाँ पोस बहान जनाब कुछ सिर्फ दह मिनट वह घंटे यह ब्रेक बिल्कुल बी पी एल चेंशन यह ए पी एल फीस सिर्फ थे रेट कर्म जनाब मोबाइल करो चार्ज सुन ग वोस फीस बिजली फीस गवर्नमेंटस मिनत थवें कह मगर अख चीज कर शडूल मुताबिक यह कैसा खुदायस नजदीक शडूल तिहन की पी एल बी पी एल वालस मा हन ए पी एल वाल सुन फीस तमिस गि तिहन कस ए पी एल तमिस हन सू फीस जस बी पी एल तमिस हन सू फीस नीन ऐश कर मगर अर्द सा रुपये त्रे सास खसन बिल ए पी एल वालस खस बिल त्रे हथ रुपये हिसाब रुपयस ओर सास पांच सास मगर बिल दह सास ये इंट्रस्ट पता लगान कि यह कत अगर ये इंट्रस्ट वाल दमो फीस मगर बिजली थन बराबर एक्चुअली आई विल से यू वन सम वन पॉइंट सर यहाँ के जो लोग हैं चाहे दर्दपुरा के लोग हैं वो बिजली से काफ़ी परेशान हैं दे आर अपसेट विद दैट बिकॉज यहाँ बिजली उतनी रहती नहीं है जब विंटर आती है तो हमारे खंभे जो हैं वो गिर जाते तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग गुप अंधेरे में वहाँ पे हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती की होती है यहाँ पर सर यहाँ जो बिजली है हमें यहाँ तार जो है बिल्कुल है ही नहीं और जिसको क्रेड़ कहते हैं क्रेड़ के खम्भे लगाकर वहाँ बिजली हम मतलब पैदा करते हैं हमें यहाँ के तार नहीं फिर बैद क्यों कि ये आज के कम से कम दस पाँच साल से हम बिजली से इतने तरस रहे हैं आँख मचोली है एक घंटा बिजली आती है चार घंटे क्योंकि हमें टाइम का पता नहीं है हम फोर फलंग एरिया के आदमी हैं हम बैकवर्ड इलाके के रहने वाले हैं हमारे पास कोई टाइम हमें यहाँ नहीं है ये तो बिजली का नहीं है बल्कि पानी जो है गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि नल और जल कहते थे ना हमें नल मिला ना हमें जल मिला पानी से तरस तरस रहे हैं। कश्मीर क्राउन को मिली इत्तला के मुताबिक बहुत सारे ऐसे पहाड़ी इलाके भी हैं जहां पर बिजली पिछले कई दिनों से ना के बराबर मिल रही है। जैसे ही शुरू होते हैं तो लोग जो है गर्मी का सहारा ढूंढने के लिए निकलते हैं जिसमें कोई फेरंग की तरफ भागता है कोई कांगड़ी की तरफ तो कोई हमाम का सहारा लेने की कोशिश करता है मगर सबसे ज़्यादा जो बेसिक रोल होता है जो बुनियादी रोल होता है वो बिजली का होता है सबसे ज़्यादा जो घर वो बिजली पर ही होता है तो जब बिजली नहीं होती है तो मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो बच्चों को होती है और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको होती है। वादी कश्मीर में जाना व पहचाना नाम डॉक्टर सोहेल अहमद मीर्स एडवांस इंटरनेशनल मल्टी स्पेशलिस्ट
physiotherapist and sports rehabilitation clinic. Neck, shoulder, back और नी पेन के लिए आप डॉक्टर सोहेल अहमद मीर से इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर सोहेल अहमद मीर मुल्क हिंदुस्तान के अलावा बीरून मुल्कों में भी अपनी कारकर्दगी के लिए मशहूर है। हमारे यहाँ जोड़ों के दर्द का तसल्ली बख्श इलाज होता है। आप हमारे यहाँ माहिर डॉक्टर सोहेल अहमद मीर से जोड़ों के दर्द का इलाज करवा सकते हैं। एक्चुअली है ना, मुझे नी पेन थी, राइट नी में। तो फिर मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर सोहेल अहमद मीर, तो इसने मुझे मतलब ये MRI किया, उस पर मुझे मिनिस्कल टियर आया। तो फिर सर ने मुझे बोला इसको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रिहैब करना है। तो फिर मैंने रिहैब किया, आज मैं शुक्र अल्लाह का मैं आज ठीक हूँ, पहले अल्लाह की मदद से, फिर डॉक्टर अहमद सोहेल मीर की मदद से। इस क्लिनिक में नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनों के जरिए किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द का तसल्ली बख्श इलाज होता है। मैं यहाँ डॉक्टर सुहेल क्लिनिक पे आया हूँ, इसलिए आई थिंक आई एम कमिंग हियर फ्रॉम पास्ट वन मंथ। तो इशू मेरा बेसिकली एक स्पोर्ट्स इंजरी थी, जो एक टिपिकल स्पोर्ट्स इंजरी होती है, जैसे मेरा शोल्डर और ये जो रोटेटर कफ था, इसका काफ़ी इशू था। सो मैं काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गया, बट हुआ नहीं मेरे से कुछ। बट सिंस आई हैव कम टू डॉक्टर सुहेल, ही इज़ द ओनली स्पोर्ट्स फिजियो आई फील इन कश्मीर, और किसी को मैं जानता भी नहीं। डॉक्टर सुहेल वॉज एबल टू हेल्प मी देयर। अभी भी मेरा रिहैब प्रोग्राम ही चलता है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी जो भी मुझे ट्रीटमेंट यहाँ। याद रखिए और तशरीफ ले आइए डॉक्टर सोहेल अहमद मीर क्लिनिक। हमारा पता है हैदरपुरा, न्यू एयरपोर्ट रोड, अपोजिट ट्रू वैल्यू, श्रीनगर। आप हमारे साथ इन नंबरात पर राबता कर सकते हैं 9622-88-9305, 6005196304। मैं इरफान अहमद चक DDC इलेक्शन बोनियार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ। मेरी गुजारिश है बोनियार के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे गांव लोग, बहनें, भाई और नौजवानों से मेरी यही अपील है कि आप अपना कीमती वक्त 7 दिसंबर को निकाल के, टेबल मेरा निशान है, टेबल का बटन दबा के मुझे बाहरी अक्सर से कामयाब कीजिए और बोनियार के लिए एक नया इनकलाब होगा। मेरा जो चुनावी निशान है वो टेबल है, टेबल 7 दिसंबर को अपना जो कीमती से कीमती वक्त निकाल के, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आप मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। मैं अब्दुल कयूम मीर, रिटायर्ड KS ऑफिसर, इस बार कांग्रेस के मंडेट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा चुनाव निशान हाथ है। मेरी थन्ना मंडी हल्का इंतखाब के तमाम लोगों से ये अपील है कि वो बिला लिहाज ज़ात बरादरी के मुझे वोट दें और भारी अक्सरियत से कामयाब करें, ताकि मैं इस इलाका की डेवलपमेंट में, इस इलाका की तामीर और तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकूं। क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो है बाहिसियत ऑफिसर काफ़ी कोशिश की है कि इस इलाका की डेवलपमेंट हो, इस इलाका की तामीर और तरक्की हो, तो उसमें भी मैं काफ़ी हद तक कामयाब रहा। लेकिन अब मैं चूँकि सियासत में हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारा जो एक डेवलपमेंट जो रुकी हुई है उसको, उस पर फोकस किया जाए और यहाँ की तामीर और तरक्की जो है वो आगे बढ़े और इस हमारे इलाका के जो नौजवान हैं, हमारे इलाके की बाकी जो मसाइल हैं उनको हल कराने में अपना अहम रोल अदा करूँ।